सुबह सुबह ब्रेकफास्ट दही नमक चीनी में, और इधर परोठा, दही के परोठा बनाया मैंने, चाय, क्योंकि दही खट्टा था तो नमक और 2 चम्मच चीनी मिलाया। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी नहीं, थोड़ा सा ब्लॉग देखने के बाद। और हर्षिता को देख लीजिए कितना, मतलब दही उसको कितना पसंद है, सुबह सुबह गर्मी में दही अच्छा होता है। ब्रेकफास्ट भी ले करके दोनों बाप बेटी चले गए थे घूमने। मामा जी, मामी, दोनों से तना रहा है मेरा, क्या कपड़ा पूरा रूम का, बेडशीट वगैरह दोनों रूम का चेंज किया है। बेडशीट वगैरह बिछाया, झरवर लगाया, अभी पोछा लगाऊंगी, लेकिन दोनों से तना गया है, पता नहीं कर देंगे नहीं। खाना बनाना बाकी है तो मैं खाना वाना बना लेती है, और आप लोग को मतलब वेलकम करना भूल गए थे। तो हेलो माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई अदर ब्लॉग। और गर्मी से देखो कितना ज़्यादा गर्मी हो गया, स्किन सब खत्म हो गया, बाहर इतना ज़्यादा धूप आ गया है, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्या बताओ। आप लोगों के उधर बताइएगा कि कितना गर्मी है। सो प्लीज़ बिना स्किप किए देखने की कोशिश कीजिए, जितना ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, ट्राई करूँगी सिर्फ छोटा ही बनाऊँगी। और मतलब प्लीज़ जितना हो सके देखिए, फुल देखने की कोशिश कीजिए, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है देखने की कोशिश कीजिए। और आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट इतना सारा आता है, कमेंट के हिसाब से मुझे लाइक बिल्कुल नहीं मिलता है, अगले ब्लॉग में भी मैंने बोला है। सो प्लीज़ देखते जाइए। मैंने फिश करी बिठाया इधर दोपहर के खाने का, और करेला आलू फ्राई बनाया। फिश फ्राई करके रखा था उधर करी, बैठने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है मैडम शुरू हो गया है नौटंकी, उसका पापा भी फ्रेश होने गए हैं, तो फ्रेश होने के बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा भूख लगे हैं। और मेन्यू खाते हैं, गलम। शाम को बहुत बारिश आ गई थी हर्षिता के आने के बाद से, ठंडा हो रहा था मौसम। कपड़ा वगैरह घर में लाए, बेलकोनी में रखे तो सारा गीला हो जाता, और हर्षिता के पापा के रूम के सामने ही लगा दिया। बर्तन मांजने का मन नहीं कर रहा है बाद में। गुड नाइट बोलो। रहा है और ज़्यादा ब्लॉग नहीं हुआ, जितना ही
थोड़ा सा ही बनाया है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे लाइक कमेंट या सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग इतना खास नहीं था, बट स्टिल मैंने छोटा सा मतलब ऐसे ही क्लिप बना लिया है। और बारिश आ गया था, हर्षिता के पापा के रूम में सारा कपड़ा डाल दिया। प्रियू बहुत बदतमीज़ हो गए है ये लड़की, काटा काटा बोल रहा है, बहुत बदतमीज़ हो गए है। इसको तो मैं जेल में भेज दूँ, इसको मैं जेल में भेज देती हूँ। नो नो चुप।